नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ज्वाइंट फ्रैक्चर्स के बारे में, चाहे वो लॉन्ग ज्वाइंट की बात हो या स्मॉल ज्वाइंट की बात हो, कि इसमें आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं उसके साइन एंड सिम्टम भी बताऊंगी। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। यदि फ्रैक्चर की बात की जाए तो मोस्टली ये छोटे बच्चों में और ओल्ड एज के लोगों में ज्यादातर देखने मिलता है, क्योंकि उनमें कैल्शियम की डिफिशियंसी पाई जाती है। यदि किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां पे आप क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने मिलेंगे? पहले तो वहां रेडनेस और स्वेलिंग देखने मिलेगी, पेन देखने मिलेगा। साथ ही साथ वहां पे जो फ्रैक्चर होगा वहां पे आप वो पार्ट को मूव नहीं कर पाओगे। ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं फ्रैक्चर के। और मैंने अक्सर देखा है कि कहीं फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि उसे आप अच्छे से झटका लो, ताकि कोई नस वगैरह अगर दबी हो या फिर कोई बोन वगैरह वो गई तो वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसे में वो ठीक नहीं होता, वो और ज्यादा केस बिगड़ जाता है। अगर कभी किसी को फ्रैक्चर वगैरह, चोट वगैरह लगती है, फ्रैक्चर की कंडीशन वहां देखने मिलती है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और एक्सरे कराएं। और यदि वहां पे बोन में क्रैकनेस देखने मिलती है तो प्लास्टर करवाएं। और प्लास्टर करवाने के बाद आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। तो जो आप प्लास्टर करवाएंगे तो वो 2 महीने तो फिर भी रिकवरी में लगता है, और यदि आप साथ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो वो 15 से 20 दिन में रिकवर हो जाता है। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन की बात की जाए तो सिम्फाइटम की मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। आफ्टर फ्रैक्चर के बाद आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है, ये जो बोन में जो मज्जा होता है उसको बनाने का वर्क करती है, जिससे कि जो ज्वाइंट होता है, वो जो बोन होती है, जो क्रैकनेस होती है, वो जल्दी हील हो जाती है। और सेकेंड मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस 6x मेडिसिन। ये मेडिसिन भी बहुत ही इफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ ये एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट। यदि बॉडी में कैल्शियम की कमी है और आपको बार बार फ्रैक्चर की टेंडेंसी देखने मिल रही है तो ये उसको दूर करती है। यदि सिम्फाइटम की बात की जाए कि इसे कैसे आप यूज कर सकते हैं, तो इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में 20-20 ड्रॉप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। और कैल्केरिया फॉस को आप 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम को अडल्ट। और बच्चों की अगर बात की जाए तो इसे आप 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले दें। थैंक यू।